अस्सलामुअलैकुम जी, कॉफी विद अली में खुश आमदी। द शो वे यू गेट टू मीट द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ पाकिस्तान, वो लोग जो पाकिस्तान को चलाते हैं, वो लोग जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूशन होता है आप थिंग्स दैट टेक प्लेस इन पाकिस्तान। व्हाट एन ऑनर, प्रिविलेज एंड राइट टू हैव समबडी हु इज विद अस इन आवर शो टुडे, अ मैन, अ नेम दैट डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन, शबर ज़ैदी साहब। सर अस्सलामुअलैकुम। आपका एक तारीखी जुमला है, अब ये ढाबा नहीं चलेगा क्योंकि अब तो दुकान से भी नीचे आ गए ना हम। आज कोई दिल दुखाने वाली और डरने वाली बातें नहीं करेंगे। द शबर ज़ैदी साहब दैट आई एम इंट्रोड्यूस्ड टू फ्रॉम माई चाइल्ड हुड बिकॉज माई फादर हैज वर्क विद यू, ही नोज यू, यू हैव बीन एडवाइजिंग हिम, हिज कंपनी एंड मैनी अदर्स, एंड ऑल द ग्रेट इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हैव बीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद यूर नेम। फर्गसन्स जिसको आप रिप्रेजेंट करते रहे हैं, प्राइस वाटर कूपर जिनकी आपके, एंड माशाल्लाह अ लेगेसी शबर साहब की जो है, सो वी फील दी ऑरा विद अस। तो ये दुकान क्यों नहीं चल रही सर? देखिए बात ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए दुकान इसलिए नहीं चल रही कि दो बताएं। पहली बात तो कि जब दुकान के स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली, ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम बेचना चाहते हैं जो हमें नहीं बेचनी चाहिए, और हम जो चीज़ बेचनी चाहिए वो नहीं बेच रहे, पहली बात। दूसरी बात है कि दुकान के जो चलाने के लिए जो उनके मालिक हैं, जो उनके चौकीदार हैं, जो उनके सेलमैन हैं, उनके अंदर कोहिजन नहीं है, आपस में वो एक मिल के काम नहीं कर रहे, तो फिर आपकी जो प्रोडक्ट है वो नहीं चल पा रही। ठीक है। तीसरी बात जो है वो दुकान की ये है कि हमारी दुकान के बराबर में एक बड़ी दुकान थी, है, जो कि अब शॉपिंग मॉल बन गई है। ठीक है। अब हमारा मसला ये है कि हम शॉपिंग मॉल का मुकाबला करने के बजाय कोशिश करते हैं कि उसको तबाह कर दें, तो ये वो भी गलत है। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के जो पोजीशन आज आ गई है कि जो हमारी दुकान है वो नहीं चल पा रही, और हमें अब बैठ के सोचना पड़ेगा कि देखें दुकान अब हमने उस शॉपिंग मॉल से अलग तो कर ली थी, अब उसका हिस्सा तो दोबारा नहीं बन सकते, तो अब हमें उसी बाज़ार में रहना है, ज़िंदा रहना है, तो चलाना तो है, बिल्कुल ठीक है। अब उसको चलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हमारा प्रॉब्लम है। अच्छा, ये जो मॉडल हम दुकान को चलाने के लिए अप्लाई करते हैं ये कोई नया मॉडल नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हम अरसे से ये मॉडल अप्लाई करते जा रहे हैं। मैं अभी लंदन में था पिछले हफ्ते, मैं लंदन में एक इसके फेस्टिवल, अदब फेस्टिवल में गया था, तो वहाँ पर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा साहब की एक बुक की लॉन्चिंग हुई थी, तो उनकी बायोग्राफी की लॉन्चिंग हुई थी। तो वो अगर आप 1956 की जो उनकी तकरीर है पाकिस्तान के बारे में अगर आप उसको पढ़ लें तो आप ये सोचेंगे यार कोई नई चीज़ नहीं आई यहाँ पर, वही चल रहा है, बिल्कुल वही चल रहा है। उन्होंने दो तीन जुमले में पढ़ देता हूँ, उन्होंने कहा कि जी हमारी पब्लिक इतनी इलिटरेट है कि वो डेमोक्रेसी के काबिल नहीं है, हमें यहाँ इस मुल्क में कंट्रोल डेमोक्रेसी चलानी पड़ेगी। तो और मतलब जो तकरीबन सारी बातें वही हैं जो आज हम, स्क्रिप्ट वही है, शक्लें डिफरेंट है, स्क्रिप्ट वही है, शक्लें डिफरेंट हैं, कैरेक्टर्स मुख्तलिफ हैं, स्क्रिप्ट वही है। अच्छा, मगर जो मैं आपको एक बताता हूँ, जो स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं ना, हम उनके बारे में भी बड़ा हमारा ओवर कॉन्फिडेंस है। देखिए, आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराते हुए ना एक बात की थी कि मैं पाकिस्तान के चंद उन लोगों में हूँ शायद खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से कि जिन्होंने पाकिस्तान के सोसाइटी के हर एस्पेक्ट को देखा है। सो ट्रू। अच्छा, मैंने 40 साल एएफ फर्गुसन एंड कंपनी चलाई है। ऐसे ही है। ठीक है, एएफ फर्गुसन एंड कंपनी पाकिस्तान में जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं उनकी प्राइमरी एडवाइजर है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जितने भी पाकिस्तान के बड़े बिजनेसेस हैं वो सारे हमारे क्लाइंट्स। एब्सोल्युटली। उसके बाद समहाउ द अदर कोई पिछले 30 साल से मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ तमाम एडवाइजर्स में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व होती रही है। ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ अरसा एक्चुअली भी FBR चेयरमैन के साथ इमरान काम किया। ठीक है। उसके बाद मेरा पॉलिटिकल रिलेशनशिप भी रहे, तो मैंने पाकिस्तानी माशरे को हर एस्पेक्ट से देखा है, बहुत अंदर से देखा है। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अगर मैं अपनी कोई आपबीती लिख दूँ और उसमें तमाम लोगों का जिक्र कर दूँ और जो उनके बारे में मेरा ख्याल है, तो शायद पाकिस्तान में से 10% लोग तो पब्लिक में आने से इतराज़ करें। हमारा मसला जो अगर आप उससे पूछें, हमारा मसला बुनियादी तौर पर यह है कि हम बहुत अरसे से वी आर लिविंग बियॉन्ड आवर मीन्स। चादर से पैर नहीं घुटने तक बांधने का हमारे दिमाग में ये ख्याल बैठा दिया गया है कि ये बड़ा माला माल मुल्क है और ये हो गया वो हो गया, और हम एज ए कंट्री
अपनी चादर से बाहर फैला के रह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये मिसाल ले लें कि आपको आपका मुल्क एक गरीब मुल्क था तो आपको एक पूरा नया शहर इस्लामाबाद आबाद करने की क्या जरूरत थी, ठीक है, आपने बात कर दिया, आपने इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन नहीं लगाए आपने, तो ये हमारी साइकी में बैठा हुआ है। भाई ये तो चलें, देखिए प्रॉब्लम्स तो आप हमेशा आते हैं, आपको मुझे आपका एक स्टेटमेंट याद है कि यार जो ओपिनियन मेकर्स हैं अलाउ अस टू स्पीक, सो आई वांट यू टू स्पीक अबाउट सॉल्यूशंस नाउ। अच्छा देखिए अब आ जाते हैं बात सॉल्यूशन पर। देखिए सॉल्यूशन की जहाँ तक सवाल है वो ये है कि पहली बात तो मैंने कभी कल परसों टीवी में कही थी, मैंने ये कहा था कि जी एक तो हम ये डिसाइड कर लें कि हमारी पिछली टीम रिटायर हो जाएगी और नई टीम आएगी। देखिए इस वक्त नवाज शरीफ साहब की उम्र 72 साल है, बिल्कुल 74 साल है, बिल्कुल रज़ारी साहब की उम्र भी 74-75 साल है, ठीक है, आपके दार साहब की उम्र भी 74-75 साल है, आपके जितने भी लीडर फजलुर रहमान साहब भी 70 से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं, तो आपको अच्छा और जो नीचे वाले हैं वो उनकी शेडो में चल रहे हैं। वेरी ट्रू, ये नहीं है कि उनकी कोई अपनी पर्सनालिटी, हाँ मरियम नवाज कहती है नवाज शरीफ का दौर, तो ये मेरा अपना ख्याल है, और जो आई के हैं उनका भी 70 से 72 की उम्र है, तो ये जो हमारी पुरानी टीम है ना अच्छी है या बुरी है, अच्छी है या बुरी है, आप उसको रिटायर, बिल्कुल ठीक है, आप एक नई टीम लाएं जिसकी उम्र 50, 45, 40, 45 की हो, वो टीम लेके चले। पहली बात तो ये कि ये रिटायर्ड टीम जो रिटायर्ड है, नाम बताएं ना शबू भाई, ये तो चलें नाम सजेस्ट करें। देखिए मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल आप पार्टी वाइज शुरू हो जाएं, ठीक है, पार्टी वाइज शुरू हो जाएं, अब आप मुझे बताएं मियां रज़ा रब्बानी साहब हैं, फारूक नाइक साहब हैं, ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर पीपल्स पार्टी में हिना रब्बानी खड़े हैं, ठीक है, एक नया नाम है चलाएं उसको, इवन आई वुड से बिलाल भुट्टो है, ठीक है, नया नाम है, ठीक है, चलाएं पीटीआई में हमाद अजहर साहब है, ठीक है, यंग आदमी है, चलाएं उसको, ठीक है, आपके पास मिफ्ता साहब है, इनको चलाएं, शाहिद खान अब्बासी हैं, ये नए लोग हैं, ये 70-80 साल, इनको देखो चलाएं, इनको अब ये रिटायर्ड टीम है, शाह महमूद कुरैशी साहब भी 70 से ऊपर के हो चुके हैं, तो शाह महमूद साहब के बच्चे हैं, बेटियाँ हैं, अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, उनको आगे लेकर चलाएं। अब आप ये जो रिटायर्ड टीम 72-72 की 70 की मैं लाइटर नोट को 70 के ऊपर की पाबंदी लगा दे, आप उनकी फिजिकल उम्र बता रहे हैं, ज़हनी पे अभी नहीं, हाँ, 70 से ऊपर वाला बंदा नहीं आएगा। ये बताएं कि चलें वो हमने एक पहला मेन हमने चीज पहले ये देखिए ना, ये आप अभी भी लेगेसी पे चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, इनको डायरेक्शन कहाँ से मिलेगा। अच्छा अब सवाल ये कि डायरेक्शन क्या कहाँ से मिलेगा, अब उसमें जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज का आर्गूमेंट ये है कि उनको स्पेस नहीं दी जाती, हमेशा से वो यही कहते हैं, ये कहते आए उन लोगों का आर्गुमेंट ये है कि जब ये आके तबाही कर देते हैं तो फिर हम क्या करें, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और ये आके एक मतलब आके हर जगह मैस कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो मैं तो ये अब इस बहुत सोचने समझने के बाद नतीजे में पहुंचा हूँ कि दो जो बंदे हैं जो कि पाकिस्तान के मेन स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिशियन और एस्टेब्लिशमेंट, ठीक, अब इनको कोई ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए कि दोनों स्टेक होल्डर साथ होंगे, तमाशा ही नहीं होंगे, लेकिन वो हुए तो थे लास्ट रेजिम में जहां नहीं, बट वो होते ना, वो फॉर्मली नहीं हुए थे ना। अच्छा ओके, वो इनफॉर्मल था, इनफॉर्मल था ना, लेकिन हर वक्त तो यू वुड सी एज इट वाज द मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, क्वेश्चन अगर देखिए अगर वो खिलाफ हुआ तो उन्हीं से हुआ ना, बिल्कुल ठीक है, तो फिर वो देखिए ये तो बात आप मानेंगे ना कि उनकी जो गवर्नमेंट गई वो पॉलिटिशियन ने नहीं हटाई, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है, लेकिन अब हम कुछ भी कहते हैं, हम कुछ भी कहते रहे, जबर में उस निकाह की शरायत कौन या उस मुद्दे की शरायत कौन बनाए, आईन में डाल दें, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड टू मेक इट हैपन। देखिए आपने टर्की में, बिल्कुल सही, टर्की में ये हो चुका है, बिल्कुल ठीक है, अगर पाकिस्तान की रियासत में एक रोल है उनका, और वो रोल मजबूरी में लाना पड़ता है, बिल्कुल डाल देने, फिर ये बाहर बैठ के आगे बैठ के इलेक्शन मॉनिटरिंग ये वो ये सेल वो सेल ये कैसे चल सकता है ऐसे। इस पे एक सवाल आता है शबर भाई कि हम हमारी जो जियोपॉलिटिकल एंड आई एम श्योर यू हर्ड इट ऑलवेज, नेबर हमारी मर्जी से तो नहीं मिलते, लेकिन नेबर से तो है ना, नहीं नेबर से ताल्लुकात तो हमारी मर्जी के हो सकते हैं ना, तो अगर मैं अपना इम्पोर्ट देखता हूँ मेरी रिलायंस और जो एनर्जी के ऊपर है वो सब्सटेंशियल एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, मेरी फूड पे कोई 8-10 बिलियन डॉलर है, तो मैं अगर अक्रॉस द बॉर्डर ही ट्रेड शुरू कर दूं और अगर हम यूरो की तरह कोई करेंसी मॉडल डिवाइस कर लें, इससे ब्रिक्स हो गया है, तो क्या हम हमारे इंटरनल इकोनॉमिक रिफॉर्म इस पर बेहतरी नहीं आ सकती। देखिए इसमें थोड़ी सी एक बात जो है ना वो आपको ये चीज़ एडमिट करनी पड़ेगी जो शायद मेरे अलावा
कम लोग कहते हैं, मगर क्योंकि मेरा ताल्लुक एक पर्टिकुलर फिरके से है तो जब मैं कहता हूँ तो लोग उसको दूसरे सेंस में लेते हैं। 1947 के बाद जो फंडामेंटलिस्ट रिलीजियस एलिमेंट था उसने पाकिस्तान की फेट को टेक ओवर कर लिया। बिल्कुल ऐसे हुआ, बिल्कुल ऐसे हुआ। अच्छा, और उस फेट को टेक ओवर करने के बाद उन्होंने अलायंस बनाया एस्टेब्लिशमेंट के साथ। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं अगर आप ये समझ रहे हैं ना, आज के जो लेबर के साथ रिलेशनशिप में रुकावट एस्टेब्लिशमेंट है वो अकेले नहीं है। तो नहीं, मैं आपको उल्टी बात कर रहा हूँ, मैं गारंटी कर रहा हूँ। और मैं बल्कि आपसे मुझे कोट कर दे, मुझे बाजवा साहब ने कम से कम 10 मरतबा कहा कि मेरे लोगों को ये समझाओ एज ए इकोनॉमिस्ट कि वी कैन नॉट फाइट विद देयर नेबर्स। एब्सोल्युटली राइट। एंड ही वाज एब्सोल्युटली क्लियर। देखिए शबी, ही वाज एब्सोल्युटली क्लियर, लेट मी कंप्लीट इट। तो देन व्हाट हैपेंड? बट द रिलीजियस एलिमेंट हु हैव अ न्यूसेंस वैल्यू इंटरवीन। Okay. And their survival is only in the enmity of the Hinduism and the Yahudism. वो तो सिर्फ ड्रामाबाजी कर रहे हैं ना जी। आप आज पाकिस्तान में आज आप इसराइल तस्लीम करने का नारा लगा दे फॉर आर्गुमेंट सेक। सर मैं अगर ये बता दूं कि मैं शिया हूं तो आधे प्रॉब्लम तो मेरे वही शुरू हो जाते हैं। आप ये कह दें कि आप इसराइल तस्लीम करेंगे तो आपको कोई नहीं मारेगा, 50,000 बंदा लड़का मॉल पर जैसेगा सड़क पे खड़ा होगा, उसको ये नहीं बताओगे इसराइल है क्या। बिल्कुल सही बात। अब ये जो रिलीजियस एलिमेंट और एस्टेब्लिशमेंट का जो का एग्रीमेंट हुआ इस मुल्क के अंदर, उस एग्रीमेंट ने पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी हैं। लेकिन अब देखें, अब जो नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, अब मैं वो तो बन रहे हैं नहीं सर, मगर वो बन रहे हैं, मगर हमारे हम अब उस ब्लॉक बस ये मैं आज और मैं शुभर भी सारी वो बातें करूंगा जो टीवी पे नहीं करते। आज मैं बड़ी आज मुझे मैं किसी बड़े बहुत बड़े आदमी से बात कर रहा था, मैंने कहा जी मैं शॉक हो गया हूं आज सुबह ये देखकर कि एक सुसाइड बॉम्बर लड़की ने तुर्बत में बम मारा है। वो लेडी है, वो लेडी सर कराची यूनिवर्सिटी में हो चुका है। इसका मतलब है सुसाइड बॉम्बर लड़की। देखिए बंदा सुसाइड बॉम्बर तो पैदा होता है, और ये वो रिलीजियस नहीं है। अच्छा बीएलए का होगा ना? हाँ हाँ सॉरी तुर्बत, आई एम सॉरी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप रेबल विद अ कॉज, क्या आप बताए ना, लड़की सुसाइड बॉम्बर आपने पैदा कर दी ऐसे ही है तो ये अच्छा हमारे कानों पर जू नहीं रेंग रही। जब मैं चेयरमैन एफबीआर था, हाँ जी, मैंने क्वेटा में स्मगलिंग के ऊपर हाथ डाल दिया। वाओ, आपको याद होगा, बिल्कुल डाला था। और उन्होंने मेरा कलेक्टर कस्टम को गोली मार दी, अगर याद हो मेरे ज़माने। सर आप शौकत मिर्ज़ा को ना भूलिएगा। हाँ, ऐसे ही कुछ हुआ था। उन्होंने मेरे कलेक्टर कस्टम को गोली मार दी, ठीक है, मैं कलेक्टर कस्टम को गोली मार दी, मैं चल रहा था, वो एफआईआर वगैरह उनके खिलाफ हो गई, जो भी होनी थी चल रही। अगले दिन मेरे पास मेरे दफ्तर में सदर्न कमांड के कमांडर बैठे हुए थे विदाउट इन्विटेशन। ये शबर साहब बात वाला रखे ना, एग्जैक्टली सर। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर ये आप क्या कह रहे हो? हाँ। सर वो हाथ उठौला रखे, मैंने कहा सर आप क्या कह रहे हो? उसने मुझे बड़ी अजीब गरीब बात बताई, कहने लगा शबर साहब जो बलूचिस्तान का एरिया है फ्रॉम द ईरान बॉर्डर टू द 200 miles ऑलमोस्ट सखर, कोई रोजगार नहीं है। ये इनकी टिपिकल सारों की प्ली है। अच्छा वो कहते हैं सर रोजगार नहीं है, आपने स्मगलिंग खत्म की तो हमारा तो कड़ाप हो जाएगा। अब अगला सवाल छबर ये कि जो रीजनल इस वक्त सारा नए ब्लॉक्स इन द मेकिंग है, स्पेशली सऊदी अरब टॉकिंग टू ईरान, देयर इज अ कंटीन्यूअस एक्सचेंज ऑफ पीपल ट्रैवलिंग, वो ईरान से उधर जा रहे हैं, सऊदी अरब से ईरान जा रहे हैं, तो ये जो नया डेवलपमेंट्स हो रही है, विल दिस हैव एन इंपैक्ट? देखिए मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जो सऊदी अरेबिया है, अगर कोई आदमी ये समझता है कि सऊदी अरेबिया का कोई डिसीजन विदाउट द अमेरिकन कंसेंट होगा, वो अभी भी तो वो गलत है। तो एमबीएस जो आंखें दिखाते थे जब वो बाइडेन आए थे मिलने से, वो जिस तरह जहाज वो हमें दिखाने के लिए था सिर्फ, मेरा ख्याल है आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अच्छा, ओके। आपको दिखाने के लिए, देखें एक बात याद रखें कि ईरान के इनकलाब को आए हुए तकरीबन 40 साल हो गया, ज्यादा हो गए, 40 से ऊपर हो गए ना, ठीक है। अब क्या वेस्टर्न सोसाइटी या वेस्टर्न कंट्रीज ईरान को जाकर बम मारकर उड़ाना चाहती हैं उनकी न्यूक्लियर, ये सारी कहानी जो है ना ये उस तरह नहीं है जिस तरह पोर्ट्रे की गई थी। एब्सोल्युटली ठीक है। और ये भी आप लोग बड़े ध्यान में रखें प्लीज़, और लोगों को मैं अक्सर कहता हूँ कि आप ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि ईरान दुनिया में शियाइज़्म को रिप्रेजेंट करता है। ट्रू, मैं भी अहले तशी हूँ, मेरा कोई ताल्लुक ईरानी शियाइज़्म से नहीं है।
हम नजफ को फॉलो करते हैं, ठीक ठीक है, तो हम ये जो ईरान और सऊदी अरेबिया ठेकेदार बन गए थे दो मसलकों के, ये कहानी अब चलने वाली नहीं है। बिल्कुल ठीक है, दैट स्टोरी इज फिनिश्ड। ओके ठीक है, मैं आपको इसमें सेकंड करूंगा बाय सेइंग दिस, आई हैव ऑलवेज बीन अ स्टॉन्च बिलीवर कि जब चाइना गवादर पे आ जाएगा फिजिकली प्रैक्टिकली, तो रशिया जिन्होंने वो जंग हारी थी हॉट वाटर्स की एक्सेस के लिए, वो किसी ना किसी तरीके से बेनिफिशियरी होगा। इफ आर स्टेक होल्डर्स हैड नेगोशिएटेड कि जिस वक्त ये सब हो रहा था, और अब देखो उसकी रिसेंट एग्जाम्पल है, तेल आना शुरू हो गया और अब ये कंटिन्यूटी होगी नहीं होगी वी डोंट नो। तो देखिए, मेरी एक बात को आप आज नोट कर लें कि गवादर कभी भी पाकिस्तान के नहीं, पाकिस्तान के हार्टलैंड से लिंक नहीं हो सकता। नहीं, एब्सोल्युटली प्रिंसिपली एग्रीड। अगर आप कनेक्टिविटी मॉलिक्यूल्स की भी करें वो नहीं, तो वो टैरिफ पे आप मार जाते हैं पंजाब कंजप्शन जो नहीं, नहीं वो बन ही नहीं सकता। वो देखिए, हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो दरियाए सिंध के ईस्ट पर है, वेस्ट पे नहीं है। दैट्स अनदर वे ऑफ सेइंग इट, वेल सेड। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान जो है वो दरियाए सिंध के ईस्ट पर है, वेस्ट पे नहीं है। लेकिन वेस्ट है हमारा ही यार, वेस्ट हमारा है या नहीं है, मुझे तो लगता है वेस्ट हमारा नहीं है। ओके, हम कहते हैं, हम कहते हैं कि वेस्ट हमारा है, ये इंडस वैली का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये कभी भी इंडो पाक जो इंडिया था उसका हिस्सा नहीं रहा। यहाँ बाहर वाले आते रहे, ये उनका ही है, ये उनका ही है, बिल्कुल ठीक है। हमारा बॉर्डर अटक पर है। अच्छा, ओके ओके, ठीक हो गया, चलें। नहीं, ये ज्योग्राफिकली, आप ज्योग्राफिकली आप जो मर्जी कह लें, नहीं ठीक हो गया, अंडरस्टूड। सो नाउ सिविलाइजेशन के दो हिस्से हैं, हम गवादर को, ठीक है, हम गवादर हमारे वेस्ट साइड पर है, हमारे पास बिल्कुल ठीक है, और उसके बेनिफिशियरी जो भी हैं, लेकिन हम कम से कम आज भी अगर जब उस पे कुछ होता है वेस्टर्न साइड, एज यू हैव सेड, डू वी स्टिल हैव एनी चांस टू सिट इन द नेगोशिएशन फॉर आवर ओन बेनिफिट ऑन दिस साइड, एज यू सेड। मेरा बिल्कुल इस पे डिफरेंट फिलॉसफी है, बताएं। मेरी फिलॉसफी ये है कि पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजिक पोजीशन को हमेशा इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करता रहे, अपने बेनिफिट की बजाय, नहीं मतलब दरमियान में बार्गेनिंग करता रहे। ओके, जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं वो इंडिया को चाहिए पाकिस्तान से अक्रॉस, तो आगे जो इकोनॉमिक्स निकलेगी उसमें पाकिस्तान इंडिया का फैसिलिटेटर होगा, ब्रोकर नहीं होगा। एंड डू यू सी इट हैपनिंग इन आवर लाइफ टाइम? बिल्कुल 100%। अच्छा, आप मुझे ये आप बताएं, आप मुझे बताएं कि इन्होंने पहले आने के बाद एक एग्रीमेंट पे साइन किया, किसी ने उसको गौर नहीं दिया, उसका नाम था टापी। शहबाज शरीफ साहब ने टापी क्यों साइन की है आते ही दोबारा जो किया? हाँ, क्योंकि टापी क्या है, इंडिया तक एक्सेस जाए ताकि हम चुंगी लें बीच में। टापी इज तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइप। मैं एज अ फर्गूसन पार्टनर टापी का कंसल्टेंट रह चुका हूं। ओह वाओ, ओके। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि टापी 20 साल नहीं बनेगी, अभी भी नहीं बनेगी। नहीं, टापी को 20 साल बनने का प्रॉब्लम ये है कि टापी को आपने अफगानिस्तान से गुजारना है ना, दैट्स अ चैलेंज, दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज। और टापी का जो तकरीबन सारा एरिया है ना, वो सारा एरिया जो है वो हिली है। ओके, तो टापी नहीं चलेगा, तो हमारे यहाँ फिर अब चले पर... टापी चलेगा ईरान इंडिया पाइपलाइन जो, ओके, आईपीआई, आईपीआई चलेगा, ठीक है, वो भी बॉर्डर पे। आईपीआई में कोई रास्ता ब्लॉकेट नहीं है, सब मैदान है, आईपीआई कल बन जाएगी। अच्छा, आईपीआई को आप लोग समझ नहीं रहे, आईपीआई के आगे, ईरान के आगे कतर है, ठीक है, उसको उस फील्ड का नाम है उसूलिया। ओके, इट्स नॉट द पार्ट्स, नो, उसूलिया, ठीक है। द लार्जेस्ट गैस फील्ड इन द वर्ल्ड इज इन कतर, व्हिच इज कॉल्ड उसूलिया फील्ड, ठीक है, जो कि कतर और ईरान की दरमियान की फील्ड है। अच्छा, ओके, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है, ठीक है। तो अगर उसूलिया का लिंक आप दे देते हैं इंडिया के साथ, तो आपका किस्सा खत्म हो जाता है। तो आपको मुझे ये बताएं कि आपको कौन से हकीम ने कहा है कि आप इसको नहीं दें इंडिया को, और आप बिला वजह की गोलियां और चूरन बेचते रहें इस बात का कि मैं लाल किला कब्जा करूंगा और पाकिस्तान के आवाम को भूखे मारते रहें, ये कहना चाहते हैं? बड़ा बड़ा तारीखी और इम्पोर्टेंट सवाल है। फौज मेरी है, एस्टेब्लिशमेंट मेरी है, वो भी हम में से है, मेरी फैमिली से, आपकी फैमिली से। मुझे प्रॉब्लम पता है क्या लगता है, एंड आई कुड बी टोटली रॉन्ग, बट योर एक्सपीरियंस इज सेकंड टू नन। यहाँ पोस्टिंग होती है 3 साल के लिए, जिस वक्त वो स्टेक होल्डर डिसीजन मेकिंग या इम्प्लीमेंटेशन या स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं तो वो पोस्ट आउट हो जाते हैं, डज दैट डिले द पर्पस? या वही वाला, आप वाला जो शुरू में आपने एक स्टेटमेंट दिया है कि जब तक ये आपस में बैठ के एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के थ्रू नहीं बैठेंगे, तो तब भी तो उनकी पार्टिसिपेशन, हाउ वुड दिस वर्क? देखिए,
पहली बात तो पॉलिटिक्स में तो वो बैठे हैं, ठीक है, अभी तक वो समझ रहे थे इकोनॉमिक्स चल रही है. Now they understand it's not. No, I don't think they understand properly. They don't understand the gravity, as you have said. They don't understand the gravity. So, it is your job. They don't understand the gravity. But nobody understands the gravity. Islamabad doesn't understand. Islamabad and Pindi both don't understand. So, you mean that we are in 70 years of ad hoc arrangement? No, we are in injection. अच्छा इंजेक्शन पे, ताकत वाला इंजेक्शन, ताकत वाला इंजेक्शन पे है. क्योंकि हमारी जो बीमारी है वो तो हमने दीवारों पे लिख के देख ली है. हमें दोनों को ये आइडिया नहीं है कि ये चीज चलने वाली नहीं है. वी कैन रीस्ट्रक्चर दिस स्टेट. चले रीस्ट्रक्चर में पहला काम क्या होगा? पॉपुलेशन. सबसे पहला काम मेक 10 प्रोविंस. ठीक हो गया. उसके अलावा तो आप सोच भी नहीं सकते. डेवोल्यूशन ऑफ पावर. डेवोल्यूशन ऑफ पावर मेक 10 प्रोविंस. ठीक हो गया. सेकंड स्टेप इज द reconfigure the mindset of Pakistan with respect to regional block. ठीक. number 2. अब problem ये है कि अब आप जाना चाहते हो, वो नहीं जाना चाहते. अच्छा, okay. पहले तो वो चाहते थे कि पाकिस्तान सही हो जाए. अब अगर आप जाओगे भी तो accept नहीं करेंगे. The region. हाँ जी. ठीक ठीक जी. चलें. क्योंकि मैंने एक दफा हसीना वाजिद और अपने प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू सुनी थी पर्सनली. एंड यू हैड द आंसर. आप सोच नहीं सकते वो कितनी हमारे खिलाफ उसकी गिज़र में नफरत है. मैंने पर्सनली जब उस गुफ्तगू सुनी है, आप शॉक हो जाएंगे जो उसने गुफ्तगू कर रही थी. एंड ऑन अ जेन्युइन ओपन माइंडेड नोट, लुक वेयर बांग्लादेश इज टुडे. No, what is what I'm saying. I agreed. अच्छा, थर्ड सर, मैं शब्बर भाई को ये देख रहा हूँ कि शब्बर भाई जो हैं, शब्बर जैदी साहब जो हैं, उनको एक हेल्म ऑफ अफेयर्स है जिसमें हर स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है और हम उनको 10 पॉइंट एजेंडा दे रहे हैं जिसमें पाकिस्तान का शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म एक वे फॉरवर्ड बन रहा है. अच्छा, तीसरी बात जो हमको पाकिस्तान में करनी है. हाँ, मैंने उससे पहले भी हमेशा से कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली दो हिस्सों में डिवाइड करें. राइट. एक हिस्सा होगा नॉर्दर्न पाकिस्तान जो पाकिस्तान की कंजम्पशन के लिए चीज़ें बनाएगा. ठीक है. और कंजम्पशन पाकिस्तान में करेगा. ठीक है. और एक हिस्सा होगा जो इंपोर्ट करेगा और रीएक्सपोर्ट करेगा. ओके, ठीक है. ये नहीं हो सकता कि मैं कॉटन लेके जाऊं कराची से. हाँ. और कराची में कॉटन इंपोर्ट करूं, धागा बनाऊं, मैं जाके फैसलाबाद में कपड़ा बनाऊं और फिर इधर लाके टेक्सटाइल को दूं. दो तरह की ट्रांसपोर्ट बारा नहीं करता. बिल्कुल सही है. मैं अमेरिकन कॉटन लेकर आता हूँ, अमेरिका से लेकर आता हूँ और फिर प्रोसेस बनाता हूँ. कहाँ बनाता हूँ? फैसलाबाद हतार में और फैसलाबाद में. और फिर यान से कपड़ा बनाता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ. फिर भी बारा खाता है. आप सोचो कि मैं यहाँ कॉटन लेकर आता हूँ यूएस से, साउथ अमेरिका से, उसको लेके जाता हूँ हतार में धागा बनाता हूँ, धागा बना के लाहौर में मोजे बनाता हूँ, उससे मोजे बना के एक्सपोर्ट करता हूँ, फिर भी बारा खाता है. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान में हमने झक्कियाँ मारी हुई है. और जिसमें मैंने आपको पहली बात की कि आप एक कानून बनाए कि कोई भी आदमी जिसकी उम्र 70 से ऊपर होगी वो किसी से पॉलिटिकल पोस्ट बिल्कुल ठीक नहीं आएगा. खत्म. एंड गवर्नमेंट पोस्ट एंड पॉलिटिकल पोस्ट. हाँ, बिल्कुल. और अगला स्टेप, किसी भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास ड्यूल नेशनलिटी नहीं होगी. एक्सलेंट, बिल्कुल ठीक है. ये जो एमएनए के खिलाफ हुई है ना, एमएनए के खिलाफ है ना आजकल, बिल्कुल ऐसे ही मैंने कराई थी. अच्छा, ओके ओके. ये मेरा वो नोट था कि एमएनए इसको बंद करें, डबल ड्यूल नेशनलिटी करें, आप बंद करें सारी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अंदर. मैं एफबीआर का चेयरमैन रहा हूँ, मेरे 23,000 एम्प्लॉय थे, मेरे पास अगर 2,000 ऑफिसर थे ना, उनमें से 1,800 के पास क्रेडिट नेशनलिटी थी. वाओ. चलो, एक सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है, उसके बाद हम आपको थैंक यू कहेंगे, आपकी चाय है. वो ये है कि आप सारी उम्र टेबल के साइड पर रहे, यू बीन टेलिंग बिजनेस हाउसेस हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ द टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ आवर सिस्टम. फिर आप उधर गए तो इन्होंने कोई इनसिक्योरिटीज फील की? मुझे जो सबसे ज्यादा खौफ था ना. हाँ. अगर आप उससे पूछे. हाँ. सबसे ज्यादा खौफ मुझे मीडिया से था. हाँ, कि ये उठाएंगे. और इन लोगों ने मीडिया को बाय किया. हाँ, हाँ. देखिए, आपको आपको क्या होता है कि आपको डरा दिया जाता है. मुझसे आप पूछे कि मेरी तबीयत क्यों खराब हुई. मैं तबीयत इसलिए खराब हुई कि मुझे एंग्जाइटी इसलिए बढ़ गई कि जब मैं सुबह सो के उठता था तो खबर आपको ये नहीं पता कि टीवी पे क्या चल रहा है. वाओ. टीवी पे क्या चल रहा है. मैं आपको एक मिसाल दे के ख़त्म कर देता हूँ. मैं जब मैं ज्वाइन किया जिस दिन मैंने, तो मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि यार तुम टेस्ट के बड़े बड़े मसले मुझे लिख के दे दो. ठीक है.
मैंने सादे कागज़ पर वो डॉट 1, 2, 3, 4 लिखे, अपने हाथ से लिफाफे में बंद किया, ठीक है, बिल्कुल FBR के सामने प्राइम मिनिस्टर हाउस है। मैंने PM को कहा कि यार जाके PM साहब को देकर आना, वो चला गया। मैंने कहा किसी दफ्तर में ना PM साहब के PM को कहना कि मैंने भेजा है, वो गया दे के आ गया। मैं दफ्तर में बैठा रहा, ये कोई 1:30 बजे का टाइम होगा, कोई 3 बजे के करीब Jio पे एक स्लाइड चल रही थी, शब्बर जैदी साहब का प्राइम मिनिस्टर के नाम खुला खत। आप देख ले जाके, देख ले पढ़ ले। मैं आपको आखिरी बताता हूँ, और सुन ले मेरी बात, आखिरी बात सुन ले जो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। 2019 की मैंने टैक्स की डिक्लेरेशन एमनेस्टी की अनाउंस की, बिल्कुल सही, उसका आखिरी दिन था 30 जून, राइट। जब 30 जून को IMF वालों ने कहा एमनेस्टी की डेट नहीं बढ़ेगी, अच्छा पाकिस्तान में आपको पता है लोग जब जमा नहीं करते आखिरी दिन में आ जाते हैं, अब उन्होंने प्रेशर डाला कि सर डेट बढ़ाएं। तो मैंने कहा सर IMF वाले बढ़ना नहीं देते। खैर बिल्कुल आखिर में आपके पास जो बैठे जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का एक दफ्तर होता है असेंबली के अंदर भी। मैं असेंबली के अंदर दफ्तर में गया, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब अकेले बैठे थे। मैंने कहा सर ये वो IMF वाले ये कह रहे हैं कि डेट कि हम नहीं डेट बढ़ाएंगे, लोगों का प्रेशर है, क्या करें बताएं। मैंने कहा सर इस तरह कर देते हैं, ये कह देते हैं कि जिन लोगों को जो लाइन में लग गए ना वो उनको बढ़ा, वो दो दिन तक उनको हम देखेंगे तो IMF वालों को समझा देंगे। ये मैंने मैं कह के ये मैं बात करके बाहर निकल रहा हूँ और टीवी पे टिक रहा हूँ। सुने सुने नहीं, कमरे में कोई नहीं था, ठीक नहीं, कमरे में PM था और मैं था। जब मैं बाहर निकल रहा था तो एक वजीर साहब दाखिल हो रहे थे कराची के, ओके। तो उन्होंने मुझे पूछा यार किस क्या बात। मैंने कहा यार वो किस लिए आए थे। मैंने कहा यार वो एमनेस्टी की डेट का मसला था, मैं वापस आ गया कह के। कुछ 3 बजे कुछ 2:30 बजे के करीब एक वजीर साहब के रेफरेंस से आ रहा है कि एमनेस्टी की डेट 3 दिन बढ़ा दी गई। और IMF ने मुझे टेलीफोन किया, ये क्या आपने किया। मैंने कहा सर मैंने क्या, किसने, मैंने खास साहब को मैंने फोन किया प्राइम मिनिस्टर को, सर ये किसने कहा है कि 3 दिन बढ़ा दी गई। उसने कहा, मैंने कहा सर उस वजीर के रेफरेंस से आ रहा है, कहते हैं मैं उसे कॉल करता हूँ। मैंने कॉल करे तो मैंने कहा कि उसने कॉल किया, उसको डाटा कि क्या तुमने किया है। तो उसने कहा सर वो आपके कमरे से छप्पड़ निकला था, मैंने पूछा था। तो उसने कहा, मैंने रिपब्लिक में कह दिया। ये मुझे बताओ कि ऐसे काम कैसे चलेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा जब आप ये इस तरह की चीज़ें मीडिया को देख देते हैं। मैंने एक मीटिंग की फॉरेन एक्सचेंज एसोसिएशन के साथ, उनके इस बात के ऊपर के हवाला नहीं करें, ठीक है। जब हम बाहर निकले ना तो उन्होंने बयान खड़े होकर दिया, हमने डिस्कस किया है फॉरेन एक्सचेंज के अफेयर्स को और इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। पता लगा डॉलर 3 रुपये नीचे हो गया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इस्लामाबाद का जो पूरा आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो इस्लामाबाद का माहौल है, उसके अंदर तो ये मुल्क चल ही नहीं सकता। आप उससे ये बात आज लिखवा लें, मैं आज आपको लिख के दे सकता हूँ कि अगर आपने इस्लामाबाद के मैकेनिज्म को ख़त्म नहीं किया तो अगर यहाँ फरिश्तों की गुबत भी आ जाए नहीं चल सकती। और शायद पिंडी वाले थोड़े बेहतर इसलिए हैं कि इस्लामाबाद में नहीं। वाह वाह शबर भाई ने इसके बाद ना हम कहते हैं कलम तोड़ दिया। शबर भाई थैंक यू सो वेरी मच। खवातीनो हज़रात, आपने शबर साहब की बातें सुनी, ये दिस वॉज अ हार्ट टू हार्ट टॉक। एंड अनफॉर्चुनेटली हम शबर भाई को भी जब शाम को टेलीविजन पर देखते हैं तो सैडली आई हैव ऑलवेज बीन मेड टू बिलीव के यूँ लगता है जैसे खुदा ना खास्ता TV पे एजेंडा ड्रिवन होता है, बट देर आर पीपल हु गॉट आंसर्स टू द प्रॉब्लम्स दिस कंट्री इज फेसिंग एंड दिस नीड टू बी टेकन टू अ थॉट एंड देन इम्प्लीमेंटेड। पाकिस्तान फॉर नाउ अल्लाह हाफिज पाकिस्तान का, इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज एंड एक्सपेक्ट गुड थिंग्स। आपसे मुलाकात होगी अगले शो में, अपना ख्याल रखिएगा।